गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास आई होप यू ऑल आर फाइन सो टुडे वी विल डू द बुक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर आई कैन नॉट रिमेंबर माय मदर चैप्टर नंबर ट्वेल्व इट्स अ पोयम ओके सो व्हाट यू विल हैव टू डू यू विल हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर सेवेंटी एक्सरसाइज नंबर सी डी एंड ई ओके सो ये थ्री एक्सरसाइज आपको अपनी बुक नोटबुक में करनी है क्योंकि बुक में आपने पहले से ही कर ली होंगी बिकॉज ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ इवन आई लाइक ऑलरेडी सेंट यू द आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर सो नाउ अगेन यू विल रिवाइज दिस एक्सरसाइज आपको क्या करना है इसमें देखिए आप इसमें आपको टेंसेस के बारे में बताया गया है ठीक है प्रेजेंट टेंस जो कि हम अपनी क्लास फिफ्थ से करते हुए आ रहे हैं टेंसेस ठीक है तो आज हम इसमें क्या करेंगे टेंसेस अच्छा तो इस पेज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कॉन्टीनस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन तीनों का एक्सप्लेसन दिया हुआ है सिर्फ डेफिनेशन दे हैव गिवन यू विद द एग्जांपल ओके अगर आपको ये समझ नहीं आता है राइट देन यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प फ्रॉम योर बुक ऑफ इंग्लिश वन ओके सो इसमें देखिए सबसे पहले इन्होंने सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया है कि सिंपल टेंस क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस देखो हमें कैसे पता लगता है इंग्लिश में कि इसमें क्या होता है ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिर्फ एक्शन शो करते हैं ठीक है लेकिन काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है वो नहीं बताता है पता चलता है सेंटेंस में ठीक है देन है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होता है कि काम तो हमारा हो रहा है लेकिन वो अभी इनकम्प्लीट है और कब तक होगा ये नहीं पता चलता है ठीक है देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें हम जब सेंटेंस लिख रहे होते हैं या सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो उसमें हमें ये बताते हैं कि वो जो काम है जो हमें दिया हुआ है जो भी एक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है ठीक है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टनस टेंस वो टेंसेज होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि जो हमारा एक्शन है ना वो कुछ टाइम पहले पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है ठीक है तो ये फोर डेफिनेशन हैव गिवन यू इन दिस लाइक बुक और आपको ये डेफिनेशन और कहीं नहीं मिलेगी सो इट्स अ यूनिक थिंग जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन uh, मिल रही है इजीली सो यू कैन आल्सो राइट इन ऑन नोटबुक विद दिस डेफिनेशन ओके सो नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज ठीक है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन यू विल हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम योर इंग्लिश वन ओके बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन देंसिस चैप्टर ओके तो इसमें आप फर्स्ट देखिए इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कॉन्ट्रेंस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्राकेट्स इसमें आपको प्रेजेंट कॉन्ट्रेंस टेंस की फॉर्म लगानी है दे हैव ऑलरेडी गिवन यू द वर्ब ओके उन्होंने आपको वर्ब दी हुई है आपको क्या करना है इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस जो प्रेजेंट कॉन्टेंस टेंस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जो वर्ब के साथ जो फॉर्म लगती है वो हमें लगानी है ठीक है तो अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट टेंस में क्या कौन सी फॉर्म लगती है आपकी इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आई एन जी फॉर्म लगती है जैसे एग्जांपल देखिए आई एम गैदरिंग जबकि इन्होंने वर्ब दी हुई है गैदर गैदर के साथ इन्होंने आई एन जी लगा दिया और आई के साथ हमेशा क्या लगता है एम राइट right? तो उसी तरीके से आपको करना है जैसे हरी हरी सिंगुलर है तो हरी इज पैकिंग

बीन याव बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म नहीं लगती इसमें इसमें आई एन जी फॉर्म लगती है वर्क की वर्ब इन्होंने ऑलरेडी ब्रैकेट में दी हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे सिंगुलर के साथ आपका हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ आपका हैव लगता है ठीक है सो so, ये आपको एक्सरसाइज करनी है अपनी नोटबुक में ठीक है सो जस्ट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम और जो मैंने आपको फाइल वर्क जो दिया हुआ है वो वेंसडे तक मुझे आपका इंग्लिश टू का जो वर्क है वो आ जाना चाहिए ठीक है सो टेक केयर अभी थैंक यू